हेलो दोस्तों, आज मैं कार्ड और पुरानी बिंदियों की हेल्प से आपको दिवाली कार्ड बनाना बताऊंगी। ये आप स्कूल में या फ्रेंड्स को या भाई बहन को भी दे सकते हैं बना करके। मैंने पुरानी बिंदियाँ जो भी थी वो इकट्ठा कर लिया है, और शादी के पुराने कार्ड पड़े हुए थे उससे मैंने एक कार्ड लिया है। इससे मैं अब इसको अच्छे से डेकोरेट करूँगी। आपके पास अलग तरह की बिंदियाँ होंगी तो आप अलग डिज़ाइन बना सकते हैं उससे, अलग अलग तरह से डेकोरेट कर सकते हैं उसको। इससे मेरे पास गोल बिंदियाँ ज़्यादा है तो मैं इस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ कि गोल बिंदी का यूज़ हो सके। लंबी बिंदियों से मैं इसको किनारे किनारे इसको डेकोरेट करूंगी। आप देख लो यहाँ पे, इसी गोल बिंदियों से मैंने पहले बनाया लिप्स कॉर्नर पे लंबी बिंदियाँ लगाई हैं। नीचे का बॉर्डर आप देखो तो मैंने सिंपल छोटी बिंदी से बॉर्डर को डेकोरेट किया, उसके ऊपर कलरफुल बिंदी लगा रही हूँ। मैं आपको किनारे में लगा के बता रही हूँ किस तरह से मैंने लगाया। आप देख लो इधर सिंपल है, यहाँ पे मैं बिंदियाँ लगा रही हूँ उसको, छोटी बिंदियाँ, और ऊपर ये चमकीली बिंदियाँ लगा रही हूँ। आपके पास अगर बड़ी बिंदी है तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बिंदी भी लगा सकते हैं, छोटी बिंदी भी अच्छा लुक दे रही है इसलिए मैंने छोटी बिंदी लगाई है सिंपल एक ही कलर में। अब मैं कॉर्नर को डेकोरेट करूंगी, और ये मेरे पास कलरफुल बिंदियाँ पड़ी हुई थी तो इससे मैं कॉर्नर को डेकोरेट कर रही हूँ। बिंदी से आप चाहे तो इस कॉर्नर पे और बिंदियाँ लगा सकते हैं, अगर लंबी बिंदियाँ हैं तो उसे अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें आप नए नए डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देखो मैंने बॉर्डर को डेकोरेट किया, फिर बिंदियाँ और लगा रही हूँ सिंपल। स्टार्टिंग में देखेंगे तो सिंपल जो बिंदी थी उस सिंपल जो एक फ्रंट पेज था उससे अब ये पूरा डेकोरेट होने के बाद फ्रंट पेज बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिवाली कार्ड है इसलिए हैप्पी दिवाली लिखना तो बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने पहले पेंट से लिख रही थी। वो इतना अच्छा नहीं बना तो मैंने इस पे दो पेज को डिज़ाइन में काट लिया है, और स्केच की हेल्प से मैं इसको लिख रही हूँ इसमें। इसको डिज़ाइनर कट करने के बाद ग्लू की हेल्प से मैं इसमें इसको फिक्स करूँगी। मैंने ग्लू लगा दिया है इसको, फेविकोल यूज कर सकते हैं या फेविगम यूज कर सकते हैं, आपके पास जो भी हो चिपकाने के लिए उससे आप यूज कर लें इसको। अब इसको मैंने स्केच की हेल्प से हैप्पी दिवाली लिखा है। आप चाहें तो स्पार्कल पेन या ग्लिटर पेन जो भी हो आप यूज में ले सकते हो, मेरे पास यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं जिससे मैं कम से कम चीज़ों में मैं डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे पास एक कलरफुल टेप था तो मैंने इस टेप से इसको, वो भी गोल्डन कलर का है तो बहुत अच्छा लुक देगा, इसलिए मैंने इससे चारों तरफ इसको फिक्स कर दिया, चिपका दिया है इसको। ये आप देखिए चार इसके बॉर्डर कंप्लीट हो गया है टेप से। अब इसको चूँकि दिवाली का कार्ड बना रही हूँ इसलिए दिवाली बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। मेरी पेंटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिया उतना अच्छा नहीं लगेगा, बात तो सही है, पर आप अगर पेंटिंग अच्छी आती है तो आप नए नए डिजाइन और अच्छा इसको बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसको पेंट कर रही हूँ, दिया बनाने की मैंने कोशिश पूरी की है अच्छा लगने की, पर अब तो इससे मैं दिया बनाऊंगी। कार्ड मेरा बनके तैयार हो गया है, कार्ड फ्रंट पेज आप देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रंट पेज, और सेकेंड पेज पे इधर मैंने दिया बना दिया है, और दूसरी साइड में आपको जो भी मैसेज देना हो जिसको देना हो उसको आप मैसेज दीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो उसमें लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में, इसमें मैंने हिंदी में लिखा है। आप वीडियो को देखिए पूरा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से पुरानी चीज़ों से आप नई नई चीज़ें बनाएं और गिफ्ट करें।